सभी वार्डों में लॉकडाउन व्यवस्था बनाने और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कमेटियों का गठन शुरू कर दिया गया है। इन कमेटियों के सदस्य अपने क्षेत्र की निगरानी रखेंगे और प्रशासन को वास्तविक स्थिति की जानकारी देंगे। नगर पालिका सचिव ने बताया कि 4 वार्डों के लिए कमेटी बन चुकी है और जल्द ही सभी 17 वार्डों में कमेटी बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को समझाने व प्रशासन के आदेशों को नहीं मानने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसने के निगरानी कमेटी बनाई गई है। नगर पालिका कार्यालय में सचिव रवि प्रकाश व नपा अध्यक्ष अमरीक सिंह की देखरेख में कमेटियों का गठन का कार्य चल रहा है। वार्ड स्तर पर बनाई जा रही इस निगरानी कमेटी पार्षद के साथ उस इलाके के मौजूद लोग भी शामिल रहेंगे। इन कमेटियों के सदस्यों की संख्या वार्ड की आवश्यकता के अनुसार तय की जा रही है। सचिव खुद कमेटी सदस्यों को अपने वार्डों में कार्य करने के तरीके और प्रशासन से तालमेल के बारे में बता रहे हैं। नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश ने बताया कि वार्ड स्तर की कमेटी की जिम्मेवारी अपने क्षेत्र में बेवजह घरों से बाहर घूमने वाले लोगों पर अंकुश लगानी होगी। लॉकडाउन में जो भी दुकानदार या रेहड़ी चालक बिना अनुमति या निर्धारित समय सारणी के बाद सामान बेचता है, उसकी जानकारी भी कमेटी के जरिए प्रशासन तक आएगी। रवि प्रकाश ने कहा कि वार्ड के ऐसे परिवार जिनको राशन व खाद्य सामग्री की जरूरत है, उनकी पहचान भी कमेटी के सदस्य करेंगे ताकि उन्हें समय पर मदद दी जाए। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 2, 3, 4 व 5 के लिए कमेटियों का गठन हो चुका है। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। जी सचिव साहब, तो कैसे क्या तैयारियां की जा रही हैं अभी शहर में जो लॉकडाउन की स्थिति मेंटेन रहे? जी देखिए, शहर में हमने 2 तरह की कमेटी हमने बनाई हैं। एक कमेटी तो है सामाजिक कमेटी, जो हम अपने स्तर पे हर वार्ड के जो पार्षद हैं और जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उनकी हमने कमेटी गठन किए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हर जगह प्रशासन नहीं, पुलिस नहीं खड़ी रह सकती, वो हर वार्ड के जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो अपने वार्ड की जिम्मेवारी लें, लोगों को समझाएं कि वो घरों से बाहर ना निकलें। जो हमने राशन की दुकानों का समय निर्धारित किया है उसी समय पर राशन ले, और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आसपास घूमते हैं या खेलते हैं उन सबको समझाएं, ताकि कोरोना के विरुद्ध जो एक ये लड़ाई पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, ये बिल्कुल छोटे लेवल पर भी ये मिलकर लड़ी जाए। देखिए, ये जो मंडी का जो मामला है, सब्जी मंडी का, ये सेक्टर मार्केट कमेटी संभालते हैं, और मैंने ये सारा विषय मेरे यहाँ ध्यान में आया, जैसे मैंने सामाजिक कमेटियों से लोगों से बात की है, तो मैंने माननीय हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनके ध्यान में संज्ञान में सारा मामला ले आया हूँ। एक जो चीज़ों के रेट हैं, जरूरत की चीज़ों के, वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसको देखते हुए क्या क्या काम किया जा रहा है? किस चीज़ के रेट आप कहना चाहेंगे? जो भी खाद्य पदार्थ है, चाहे सब्जी है, चाहे वो किराने का सामान है। देखिए, हमने सब जो है ना दुकानदार हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शन ये जारी की है कि वो अपने जो रेट लिस्ट है वो बाहर लगाए और उसी के मुताबिक वो सामान बेचे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.